नमस्कार आदाब, न्यूज़ 5 AM जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नज़र डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। सोमवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन परियोजना का देश भर के 554 स्टेशनों और 1500 सड़क ओवरब्रिज अंडरपास का ऑनलाइन उद्घाटन किया, जिसमें टाटा नगर स्टेशन के उद्घाटन समारोह में राज्यपाल CP राधाकृष्णन, रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार मिश्रा, डॉक्टर RM अरुण राठौर, सांसद विद्युत वरुण महतो, DC अनन्य मित्तल, SSP कौशल किशोर उपस्थित हुए। वहीं कार्यक्रम स्थल में राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। वहीं राज्यपाल के द्वारा टाटा नगर रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण रिमोट दबाकर उद्घाटन किया। वहीं रेल विभाग के द्वारा अमृत भारत स्टेशन को किस तरह विकसित करना है और क्या क्या सुविधा होनी चाहिए, इसको लेकर स्कूल में बच्चों के बीच कॉम्पिटिशन का आयोजन किया गया था, जिसमें जीते हुए प्रतिभागियों को राज्यपाल के हाथों ट्रॉफी दी गई। टाटा नगर स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने के लिए कुल 350 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं चक्रधरपुर रेल मंडल के कुल 18 स्टेशनों को अमृत भारत मिशन के तहत पुनर्विकसित किया जाना है, जिसके लिए कुल 580 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। वहाँ 44 FOB और अंडर पास का भी निर्माण होगा। मुख्य अतिथि राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने संबोधन में कहा कि आज के दिन देश के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। टाटा नगर स्टेशन के विश्व स्तरीय बनाने के बाद उन्होंने स्टेशन पहुंच सर्कुलेटिंग एरिया, वेटिंग हॉल, शौचालय में सुधार, स्वच्छता, फ्री वाईफाई, एक स्टेशन एक प्रोडक्ट और बेहतर यात्री सूचना प्रणाली के माध्यम से स्टेशनों पर सुविधाओं में सुधार किए जाएंगे। इसके अलावा चक्रधरपुर रेल मंडल के जिन स्टेशनों में पुनर्विकास होना है उनमें बड़ा जामदा, बिमलागढ़, चाईबासा, चक्रधरपुर, डोंगा वापसी, गमरिया, जरौली, रायरंगपुर, पंपोश और सीनी शामिल हैं। इसके अलावा खड़गपुर टाटा और टाटा राउरकेला रेल लाइन के बीच कई LHS, ROB, RUP और सबवे का निर्माण किया जाना है। टाटा स्टेशन के पुनर्विकास के लिए दिल्ली की कंपनी डिजाइन एक्वाट कंसल्टेंट ने DPR तैयार किया है। We are a landlocked state. We need railway connectivity better than any other state. Our railway connectivity is getting improved and the railway stations are getting improved. The facilities available in the railway stations are getting improved on this day. The dignitary is sharing the dais with me, Sri Vidyut Varan. और इसके ऐतिहासिक कार्यक्रम में हमारे उपस्थित हैं झारखंड के कार्यकर्ता। आज पूरा देश में लगभग 540 स्टेशनों का आज शिलान्यास रखा जाएगा, साथ साथ 1500 से ऊपर अंडरपास और ओवरब्रिज का भी शिलान्यास किया जाएगा। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी और हमारे बहुत ही लोकप्रिय माननीय रेल मंत्री अश्री वैष्णव जी के कर कमलों द्वारा ये काम आज के दिन शुरुआत होगी। ये मेरी सौभाग्य की बात है कि जमशेदपुर को एक ऐसी सौगात मिली